हमारे बीच पंडित नागेश उपाध्याय जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने संयुक्त पारित मधु परिचय सम्मेलन प्रथम का आगाज किया था सीपी, और आज सातवां मधु परिचय सम्मेलन है। श्री नागेश उपाध्याय जी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके चिरंजीव पंडित राम कृपाल उपाध्याय जी हमारे बीच हैं। हिंदी भाषी संघ का नेतृत्व करते थे श्री राम जस उपाध्याय जी, और कल मुझे बड़ी खुशी की कल ही मीटिंग थी और सर्वानुमत से वो हिंदी भाषी संघ की जुड़ा श्री राम कृपाल उपाध्याय जी को सौंपी गई। श्री राम कृपाल उपाध्याय जी आज हमारे आयोजना समिति में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी है और आज यहाँ पर उपस्थित भी है। मैं श्री राम कुमार उपाध्याय जी के सम्मान के लिए निमंत्रित करूँगा श्री विजय तिवारी जी को कि वो श्री राम कुमार उपाध्याय जी का शॉल स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर के आपके तालियों के बीच में गौरव करें। श्री राम कुमार उपाध्याय जी स्वागत करेंगे श्री विजय का। भाजपा के पार्टी के प्रमुख कर्णधारों में से भी आप हैं। श्री राम नाईक जी का और राजेश उपाध्याय जी का तो बहुत ही घरेलू रिलेशन था, ऐसे श्री राम कुमार उपाध्याय जी मैं चाहूंगा कि श्री राम कुमार उपाध्याय जी थोड़ा सा हमको संबोधित भी करें। श्री राम कुमार उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई विजय जी। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि देरी से पहुँचा, 10 बजे का निकला हूँ घर से, मैं 10 बजे निकला हूँ, मैं सोचा 1 घंटे में पहुँच जाऊँ, लेकिन रास्ते इतने बारिश हो रही थी घंटे से मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कब कब पहुँचूँगा, मुझे ध्यान में नहीं आया, सब कुछ पहुँच गया। सजीव पाटिल ब्राह्मण मंच के अध्यक्ष आदरणीय पंडित विजय मिश्रा जी, हमारे सभी के चहेते नेता और चाचा जी पंडित रमेश दुबे जी, राम लड़ा जी, मेरे बड़े भाई प्रेम जी अभी यहाँ से गए।